हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अन्नू रॉय एक बार फिर से आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी के एफटीआर के इस वीडियो में वेलकम करती हूं, जिसमें अभी हम चर्चा करेंगे सी सेट में आने वाली भाषा के दूसरे पक्ष यानी कि छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, जेठ के बेटा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कूरा ससुर, ऑप्शन नंबर बी जेठौत, ऑप्शन नंबर सी ससुर बेटा और ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर जो डी है वह इसका आंसर होगा, क्योंकि जेठ को छत्तीसगढ़ी में ऑलरेडी कूरा ससुर कहा जाता है और यहाँ जेठ के बेटे की बात हो रही है जिसे हिंदी स्वरूप में जेठौत कहते हैं। कुछ क्षेत्र विशेष में भी छत्तीसगढ़ में जेठौत कहा जाता है, लेकिन पर्टिकुलर वर्ड जो है वो ससुर बेटा कहा जाता है, लेकिन है तो दोनों ही जेठ के पुत्र। इसलिए जो जेठौत और ससुर बेटा यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों जो हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें है तैं तोर घर जा का हिंदी स्वरूप निम्न में से कौन सा होगा। तुम अपने घर जाओ, तुम मेरे घर जाओ, मैं तुम्हारे घर जाता हूँ या तुम तुम्हारे घर जाओ। यहाँ एक छत्तीसगढ़ी दिया हुआ है सेंटेंस, तैं तोर घर जा, इसका हिंदी स्वरूप होगा तुम अपने घर जाओ, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्दी कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी पदार्थवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा और ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं आपको बता दूं कि जानवरों के समूह को छत्तीसगढ़ी में बर्दी कहा जाता है, और जहां समूह की बात हो, कलेक्शन की बात हो, कि किसी भी व्यक्ति वस्तु या प्राणी के समूह का बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक संज्ञा को छोड़कर समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन होती है। इसलिए बर्दी में यहाँ समूहवाचक संज्ञा यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन एग्जाम्पल है, प्रेषक का छत्तीसगढ़ी स्वरूप बताइए। एक प्रेषक एक प्रशासनिक शब्द है, प्रेषक, इस प्रेषक की बात करें तो इसका एक छत्तीसगढ़ी नाम है जिसमें ऑप्शन ए है परगईत, ऑप्शन बी है डाकिया, ऑप्शन सी है भेजैया और ऑप्शन डी है पवैया। ठीक है, परगईत होता है जो विवाह पक्ष के जो सदस्य होते हैं उसे परगईत कहते हैं। डाकिया पत्र को पहुंचाने लाने ले जाने का काम करने वाला होता है, पवैया मतलब पत्र को प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी भेजैया, मतलब कि सेंडर। ठीक है, तो प्रेषक जो सेंडर है उसका छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्द है सी भेजैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्लर शब्द है, गोल्लर एक शब्द है जो छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या स्वदेशज। आपको लगता होगा कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तो केवल संस्कृत हिंदी जैसे चीज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या छत्तीसगढ़ी में तत्सम है। हाँ, छत्तीसगढ़ी में भी तत्सम शब्द है, छत्तीसगढ़ी में अर्ध तत्सम शब्द है, छत्तीसगढ़ी में तद्भव है, देशज है, विदेशज है, क्योंकि संस्कृत भाषा से जन्म लिया हिंदी और हिंदी भाषा से उद्भिद पूर्वी हिंदी का एक रूप है हमारी छत्तीसगढ़ी, जिसमें अवधि बघेली के साथ हम छत्तीसगढ़ी का इस्तेमाल करते हैं और छत्तीसगढ़ी के अंदर भी हम तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे कि अम्बलिका का यदि हम बात करें तो वह अर्ध तत्सम के तौर पर अमली कहलाती है, और इसी तरह यदि हम फनसह संस्कृत में कहते हैं तो छत्तीसगढ़ी में वो अर्ध तत्सम होकर फनस कहलाती है। आम्रम से आम हो जाता है और इसी तरह कुटुंब से कुटुंब हो जाता है, और अगर देखा जाए तो इसी सारे रूपों में हम बात करेंगे तद्भव की तो अग्नि से आग, मछली से मछरी, और इसी तरह गाम से ग्राम से गाँव हो जाता है। और देशज की बात करें तो ये एक छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहाँ पश्चिम की ओर से मराठी का प्रभाव, पूर्व की ओर से उड़िया का प्रभाव, और दक्षिण बस्तर की अगर हम बात करें, दक्षिण के क्षेत्र विशेष की बात करें तो यहाँ गौड़ के शब्द देखने को मिलता है जिसमें कुछ उड़िया,
कुछ ऊपर उत्तर की ओर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा भोजपुरी शब्द आता है, लेकिन यदि हम पर्टिकुलर गोल्लर की बात कर रहे हैं तो गोल्लर एक स्वदेशज, मतलब न तो ये बाह्य राज्य की सीमाओं से प्रभावित क्षेत्र विशेष के शब्द हैं, न तो ये संस्कृत के तत्सम है, न उस तत्सम का परिवर्तन तद्भव है, बल्कि गोल्लर एक स्वदेशज शब्द है, जैसे कि टेटका, रमकेरिया, मुरई, भाटा, गहबर, ठीक है, चेचरहा, ये सारे पर्टिकुलर ऐसे शब्द हैं जो केवल छत्तीसगढ़ ही की राज्य के उद्भव है। इसलिए गोल्लर शब्द हमारे लिए ऑप्शन नंबर डी स्वदेशज की श्रेणी में आते हैं। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, निम्न में से बहुवचन बनाने के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए। यहाँ कुछ प्रत्यय शब्द दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए नीचट, ऑप्शन नंबर बी खूब, ऑप्शन नंबर सी बढ़िहन, ऑप्शन नंबर डी सभी। निम्न से बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय शब्द बताइए कहता है। तो निम्न में से प्रत्ययवचन बनाने के लिए हम नीचट का भी प्रयोग करते हैं, खूब का भी प्रयोग करते हैं और बढ़िहन का भी प्रयोग करते हैं। ये तीनों यहाँ पर एक ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके प्रयोग से हम एक बहुवचन शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे नीचट लइका, जैसे कि खूब झन मइनसे, जैसे बढ़िहन आदमी, ऐसा कह के हम बहुवचन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असगई पसगई से आशय बताइए। यहां दो शब्द दिया है, असगई पसगई, इस शब्द से का आशय बताइए। ऑप्शन नंबर ए है इधर उधर, ऑप्शन नंबर बी है आगू पाछू, ऑप्शन नंबर सी है आस पास और ऑप्शन नंबर डी है आजू बाजू। छत्तीसगढ़ के अंदर यदि हम बात करें, आगू मतलब आगे, पाछू मतलब पीछे, ठीक है, लकठा पास में, दूरीहा दूर में, कगरा नजदीक में, नजदीक नजदीक में, और इसी प्रकार देखा जाए तो इधर उधर को एति ओती कहा जाता है, ठीक है। आगू पाछू मतलब कि आगे पीछे होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आजू बाजू लेफ्ट हैंड साइड को यदि हम कहते हैं, लेफ्ट राइट को, तो ये डेरी जेवनी है, लेकिन हम यदि किसी पक्ष में बात कर रहे हैं असगई पसगई तो इसका अर्थ होता है आजू बाजू। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लंबगोड़वा में समास बताइए। ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्विगु, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व और ऑप्शन नंबर डी बहुव्रीही समास। लंबगोड़वा, लंब का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में लंबा, लंब का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में लंबा और गोड़ का मतलब होता है पैर, तो अर्थ क्या निकलता है, लंबे पैर वाला या जिसका पैर लंबा है। तो यहाँ पर लंबा कहकर विशेषण का शब्द हुआ जो विशेष से पैर की विशेषता बता रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय समास जो है इसका रियल आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, कोढ़ा छनकना मुहावरे का आशय बताइए। मुहावरा क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, मुंह से व्यक्त एक वाक्य का अंश मात्र जो किसी विशेष अर्थ की ओर इशारा करता है, जिसके अर्थ को लिखा तो जाए जरूर पर वाक्य के भीतर प्रयोग किया जाता है, बगैर वाक्य के जिसका अस्तित्व ही नहीं। अधिकांश मुहावरे शरीर के अंगों पर आधारित और वाक्य का अंश मात्र होने की वजह से मुहावरा कहलाता है। 3, 4, 5 शब्द का भी होकर बगैर वाक्य के अपने अर्थ की सार्थकता साबित नहीं कर सकता। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कोढ़ा छनकना, कोढ़ा का मतलब होता है भूसा। जब वर्षा काल का समय आता है तो जिस तरह स्नोफॉल होता है वैसे ही, क्योंकि ओला गिरना और आपके बर्फ़ का गिरना दोनों अलग चीज़ें होती, कि ओले में जो है वो पत्थर जो है वो ओला जो आपके बर्फ़ के टुकड़े ठोस अवस्था में होते हैं, वही बर्फ़ के टुकड़े जब वो बर्फ़बारी होती है तब वहाँ पर वो उतनी ठोस अवस्था में नहीं होते, वैसे ही वर्षा की बूंदों का एक रूप है भूसे की तरह गिरना। तो कोढ़ा छनकना मुहावरे का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी हल्की फुहार, क्योंकि ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए में सूखा पड़ना, ऑप्शन बी है हल्की फुहार, ऑप्शन सी है धान फटकना और ऑप्शन डी है अतिवृष्टि। तो इसका आंसर है हल्की फुहार जब होती है वर्षा काल में तो कोढ़ा छनकत है, आज महाबादर ले कोढ़ा छनकत है, जैसे वाक्य का प्रयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है,
एक फकीर जेकर पेट मा लकीर, जनौला का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए गेहूं, ऑप्शन नंबर बी चावल, ऑप्शन नंबर सी दाल और ऑप्शन नंबर डी चना। प्रश्नों का ताना बाना, एक जाल जंजाल बुन दिया जाता है जो दैनिक दिनचर्या में प्रयोग होने वाले खाद्य पदार्थ या वस्तुएं होती है या प्राकृतिक तत्व होते हैं, पशु पक्षी होते हैं कि एक मनुष्य के जीवन से संबंधित सारे जो उसके चक्र के आसपास के घेरे में आते हैं उन सबसे संबंधित एक प्रश्नों का जाल होता है जिसे छत्तीसगढ़ी में जनौला कहा जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक फकीर जेकर पेट में लकीर, तो इसका आंसर है गेहूं, जिसे छत्तीसगढ़ी में गेहूं भी कहा जाता है, जिसका तत्सम गोधूम है और हिंदी में वो हमारे लिए गेहूं और छत्तीसगढ़ी में यही हमारे लिए गेहूं बन जाता है। क्योंकि गेहूं को अगर आप देखेंगे तो उसकी पूरी जो ऊपर से नीचे तक एक लकीर की तरह दिखाई देता है, इसलिए एक फकीर जेकर पेट में लकीर कहकर वो गेहूं को संबोधित करता है। सो आंसर नंबर इज ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में कि इस वर्ष को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, कि इस वर्ष को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं एसो, आसो, पौर। अब मैं बता दूं कि थोड़ा सा संस्कृत की ओर चलेंगे आप, इस चीज़ के लिए थोड़ा एक चीज़ को समझ लें कि हम संस्कृत में अगर एशम कहते हैं तो जिस तरह मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है पहले से ही एशम एसो या आसो को कहते हैं जो इस वर्ष है, ठीक है। यदि हम परुत कहते हैं, यदि हम परुत कहते हैं तो ये हमारे लिए हो जाता है पिछला वर्ष, ठीक है, पिछला वर्ष। और अगर हम परारी कहते हैं तो इसका मतलब होता है पिछला तीसरा वर्ष, ठीक है। अब अगर हम इसको डिजिट में बात करते हैं, जैसे कि कैसे पहचानेंगे, अभी चल रहा है 2020 तो इसे हम एसो या आसो कहेंगे, 2019 ये हमारे लिए पिछला साल कहलाएगा और 2018 हमारे लिए पिछला तीसरा वर्ष कहलाएगा। अब एसो या आसो कहकर वो हमारे लिए इस वर्ष है, परुत से हमारे लिए छत्तीसगढ़ी में पौर साल हो जाता है और ये हमारे लिए परियार साल बन जाता है, है संस्कृत का ये प्रभाव। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इस वर्ष को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है एसो, ऑप्शन नंबर बी है आसो और ऑप्शन नंबर सी है पौर। मैंने बताया कि पौर मतलब कि लास्ट ईयर को बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मित्रता संबंधी रिश्तों में सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर ए महाप्रसाद, ऑप्शन नंबर बी गंगाजल, ऑप्शन नंबर सी भोजली, ऑप्शन नंबर डी सहनाव। छत्तीसगढ़ में प्राचीन समय की एक परंपरा थी कि परिवार का दायरा बढ़ाने के लिए जिस व्यक्ति विशेष से उसकी मित्रता थी उसे एक रिश्ता का नाम देने के लिए छत्तीसगढ़ में मित्रता संबंधी रिश्ते निभाए जाते थे, जिसमें अगर हम बात करें महाप्रसाद की तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जगन्नाथपुरी के प्रसाद को एक्सचेंज करके महाप्रसाद बनता था। इसी तरह देखा जाए तो जो तुलसी आपके भोजली है, जो मित्रता का त्यौहार वैसे भी छत्तीसगढ़ में माना जाता है, भोजली को एक दूसरे के कान में लगाकर कुछ रस्मों के साथ में नारियल बदलकर हम मितान गियां, ऐसे जो मित्रता संबंधी है गंगा जल भोजली, ये सारे मित्रता संबंधी नाम है। लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी सहनाओ, छत्तीसगढ़ी में ये मित्रता संबंधी रिश्ता नहीं माना जाता। टू इक्वल पर्सन अगर एक ही नाम के हैं, यदि किसी व्यक्ति का नाम राम कुमार है और दूसरे व्यक्ति का भी नाम राम कुमार है तो एक दूसरे को वो राम कुमार के नाम से पुकारते नहीं बल्कि एक दूसरे को वो हजी सहनाओ ऐसा कहकर पुकारते हैं, इसलिए मित्रता संबंधी रिश्तों में सबसे अलग है ऑप्शन नंबर डी सहनाओ, जो सहनाम का ही एक छत्तीसगढ़ी रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया जेवन छत्तीसगढ़ी में इस शब्द से क्या आशय है, ये भी एक प्रशासनिक शब्द है। छत्तीसगढ़ में माया जेवन का क्या आशय है कहें, ऑप्शन नंबर ए बियारी भोज, ऑप्शन नंबर बी मध्यान्ह भोज, ऑप्शन नंबर सी प्रीति भोज और ऑप्शन नंबर डी ग्राम भोज। इसमें से माया जेवन क्या है, माया का मतलब होता है दुलार, प्रेम, प्रीति,
ठीक है ना, माया मोह जिसको कहते हैं, और जेवन का मतलब होता है भोजन, जो महाराष्ट्र के जेवन से प्रभावित है। जैसे महाराष्ट्र में कहते हैं जेवन पाइजे का, मतलब कि भोजन खाना है क्या, ठीक है, तो जेवन पाइजे का कहते हैं। तो जेवन से हमारे लिए छत्तीसगढ़ी में जेवन बना, ठीक है। अब माया का मतलब होता है प्रेम, इसलिए इसका प्रशासनिक अर्थ छत्तीसगढ़ी में होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीति भोज, ठीक है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कि डांड देना का क्या अर्थ है, छत्तीसगढ़ के अंदर डांड देना का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी आवाज, ऑप्शन नंबर सी डांट, या ऑप्शन नंबर डी रेखा खींचना। छत्तीसगढ़ में यदि समाज के व्यक्ति से किसी प्रकार की छोटी सी त्रुटि समाज के नियमों का उल्लंघन करने से हो जाती है, तो समाज के कायदों और नियमों के द्वारा उसे कुछ दंड स्वरूप जुर्माना भरने के लिए बोला जाता है, जिसे छत्तीसगढ़ में डांड देना के नाम से पुकारा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए जुर्माना। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बलवाची प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी कर, ऑप्शन नंबर सी च, ऑप्शन नंबर डी करा। अब आप बोलेंगे कि प्रत्यय तो हमारे पास कृदंत है, तद्धित है, स्त्री है, अब ये बलवाची प्रत्यय क्या है। बलवाची प्रत्यय की अगर हम बात करें, बल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बल, ठीक है ना, प्रत्यय का मतलब होता है अंत में जुड़ने वाला शब्दांश, ऐसे शब्दांश जो निपात की तरह इस्तेमाल होते हैं। निपात क्या होता है, अब आप कहेंगे निपात क्या होता है, किसी बात पर यदि हम जोर देते हैं तो निपात है, जैसे कि भी कहते हैं, जैसे कि ही कहते हैं, जैसे कि तक कहते हैं, ये सारे जो हैं वो निपात हैं। जैसे इतना ही बचा है, ठीक है ना, इसी तरह मैं भी जाऊंगा, इसी तरह यहाँ तक कहते हैं, ये सारे निपात कहलाते हैं। लेकिन बात चल रही है यहाँ पर किसके लिए, बलवाची प्रत्यय। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर निपात की तरह कुछ बलवाची प्रत्ययों का इस्तेमाल किया जाता है, जो हम किसी बात पर बल लगाते हैं, बल युक्त शब्द जब प्रयोग करा जाता है तब हम बलवाची प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जो पांच हैं, जैसे कि हम च कहते हैं, एच कहते हैं, हु कहते हैं, ठीक है, ही कहते हैं, च एच, और इसी प्रकार हम एचे कहते हैं, ये सारे बलवाची प्रत्यय। इसी प्रकार हम ओ कहते हैं, जैसे कि लालच रंग के लानवे, है ना, मोरिच ए, तोरिच ए, महू जाहू, तहू जाबे, मही कर ले थो ना, तही चल दे, और इसी प्रकार एतकेच उतकेच, अभिच्चे कहता है, ठीक है ना, दोनों तीनों कहता है। मतलब जब किसी शब्द पर बल लगाना है तो बल लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय को बलवाची प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिया है में, कर, च और करा। अब ये जो च है ये हमारे लिए ऑप्शन नंबर सी जो है च, ये बलवाची प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि ये महाराष्ट्र से प्रभावित क्षेत्र विशेष से छत्तीसगढ़ में आया, इतना पैसा में इतना ही मिलेगा यदि वो कहता है च, है ना, है ना। तो इसी तरह छत्तीसगढ़ के अंदर भी व्यक्ति बोलता है अभिच्चय निकल, तुरंत अतकेच बाँचे है, तो ये जो च है ये हमारे लिए बलवाची प्रत्यय का प्रयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण शब्द बिरबिट से आशय है, लाल रंग, सफेद रंग, काला रंग या नीला रंग। अब कलर्स की बात करें छत्तीसगढ़ी में, तो लाली या लाल रेड कलर को हो गया, सफ़ेद को सादा या सुपेद कहते हैं, नीला को लील रंग कहते हैं। क्यों लील रंग कहते हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ी में जो न है वो मैक्सिमम ल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जो काला रंग है उस काले रंग की प्रविशेषण के तौर पर यदि हम कहें तो बिरबिट शब्द काला रंग को संबोधित करता है। बिरबिट करिया सांप है, है ना, काय बिरबिट करिया टूरा है बोलते हैं। तो इस तरह छत्तीसगढ़ के अंदर विशेषण शब्द बिरबिट से आशय काले रंग से, मतलब कि आंसर नंबर सी से है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, बाबू का स्त्रीलिंग शब्द है। अब बाबू छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो यहाँ पर अलग अलग रूप में इस्तेमाल होता है। जो कलकत्ता के जो शब्द हैं बाबू,
अगर हम बंगाली में बात करें बाबू, तो वहाँ पिता को संबोधित किया जाता है। उसी का प्रभाव छत्तीसगढ़ में है कि यहाँ पिताजी को भी बाबूजी कहा जाता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी प्रधानता ये है कि यहाँ जो पुरुष वर्ग का व्यक्ति है, चाहे वह छोटा लड़का क्यों ना हो या पूर्ण रूप से वयस्क क्यों ना हो, माँ बाप के लिए वो बड़े बाबू, छोटे बाबू, मंझला बाबू कहलाता है, जिसका अपोजिट जेंडर नोनी होता है। लेकिन अगर वो विवाहित उसका पुत्र है तो बड़े बाबू की बड़की बहुरिया, मंझली बहुरिया और छोटी बहुरिया भी उसके अपोजिट वर्ड्स में स्त्रीलिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एक क्लर्क जो ऑफिस में कार्यालय में कार्य करता है कर्मचारी, उस क्लर्क को भी बाबू कहा जाता है। और स्त्रीलिंग के अनुसार अगर वो मास्टर है तो मास्टरिन बनती है, उसी तरह बाबू है तो वह बबुआइन बनती है। तो ऑप्शन अगर हम देखें, बबुआइन, बहुरिया, नोनी, बाई, ये चारों में से यदि हम बात करें, अच्छा बबुआइन, बहुरिया, नोनी, तो ऑप्शन नंबर डी कि बाबू का स्त्रीलिंग आपके ऑप्शन नंबर डी सभी होंगे। ऑप्शन नंबर ए बबुआइन भी होगा, ऑप्शन नंबर बी बहुरिया भी होगा, ऑप्शन नंबर सी नोनी भी होगा, अर्थात इसके ऑप्शन नंबर डी, ए, बी, सी तीनों बाबू का स्त्रीलिंग शब्द माना जाएगा। अरम पपई क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अरम पपई क्या है? छत्तीसगढ़ के फ्रूट्स की यदि हम बात करें तो केला से केरा, नारियल से नरियर, संतरा जो आपके नारंगी से संतरा, मौसम्बी से मुसब्बी है, शहतूत से तूत है, आंवला से आंवरा, बेर से बोइर, आम से आमा है। इसी तरह हम और बात करें अमरूद से, तो हम छत्तीसगढ़ में इसे जामफल रायपुर के क्षेत्र की ओर, और कुछ क्षेत्र में इसे बिही के भी नाम से पुकारा जाता है। लेकिन अरम पपई की बात करें तो ऑप्शन क्या दिया है, आम की प्रजाति, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है अनानास और ऑप्शन डी है अमरूद। छत्तीसगढ़ के अंदर पपाया यानी कि पपीता को अरम पपई के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परगईत का अर्थ होता है वधु पक्ष का पुरोहित, वर का पिता या अभिभावक, वर पक्ष का पुरोहित या वधु का पिता या अभिभावक। छत्तीसगढ़ के अंदर परगईत का अर्थ होता है आपके वर का पिता या अभिभावक। छत्तीसगढ़ के अंदर जब विवाह पक्ष की रस्म होती है तो जो वर पक्ष के जो अभिभावक होते हैं उसे छत्तीसगढ़ में परगईत कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, वर पक्ष का पिता या वर पक्ष का अभिभावक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, कब बाबा मरही तब बरा चुरही। कुछ लोग इसका एक अलग रूप लिखते हैं, कब बाबा मरही तब बरा खाबो, कोई कहता कब बाबा मरही तब बरा चाबो। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना, ऑप्शन नंबर बी प्रसन्नता व्यक्त करना, ऑप्शन नंबर सी कार्य का अनिश्चित होना, ऑप्शन नंबर डी किसी का इंतजार करना। कब बबा मरही तब बरा चुरही। छत्तीसगढ़ में अंतिम विदाई का यदि पकवान की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अंतिम विदाई का पकवान बरा को अधिकांश तौर पर माना जाता है। अगर किसी परिवार के सदस्य के घर में किसी का आगमन हुआ है, अगर उनको विदाई देना है, उनको घर भेजना है या वो जा रहे हैं, तो बड़ा पूड़ी बन खिला कर ही उनको विदा किया जाता है, ऐसी एक प्रथा है। तो अगर किसी को बड़ा खाने की उम्मीद है और कोई बुजुर्ग मरणासन स्थिति में है, तो लोग ये कहावत मजाकिया तौर पर कहते थे कि कब बाबा मरही तब बरा चुरही औ हमन खाबो, मतलब कि कार्य का अनिश्चित होना, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहां नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अतड़ी को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है, पोटा, आत, धमनी या नारी। छत्तीसगढ़ में अतड़ी, इंटेस्टाइन अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ी में अतड़ी को ऑप्शन नंबर ए पोटा कहा जाता है। आत जो होती है बड़ी होती है, धमनी जो होता है रुधिर वाहिनियाँ होती है, और नारी मतलब कि नब्ज को कहा जाता है, इसलिए अतड़ी को छत्तीसगढ़ी में पोटा ऑप्शन नंबर ए कहा जाता है। ठीक है, लइका का बहुवचन शब्द बताइए, लइकनों, लइका मन, लइकई या लइकना।
छत्तीसगढ़ी में वचन बदलने के लिए हम मोस्टली मन प्रत्यय का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम इसके आंसर को लें तो लईका का बहुवचन शब्द ऑप्शन नंबर बी लईका मन होता है। इस तरह अब हम आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन की चर्चा कर ली जाए। इसमें दिया हुआ है कौन सा द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिए हैं तीन कोनिया, ऑप्शन नंबर बी है पच पेड़िया, ऑप्शन नंबर सी है तीन पनिया और ऑप्शन नंबर डी है माई पीला। पहले ही आपको जानकारी में है कि जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची होकर दूसरे शब्द के साथ किसी समूह को संबोधित करता है तो वहाँ होता है द्विगु समास। संख्यावाची होकर वो ग्रुपिज्म की बात करे तो वो द्विगु समास है। पहला है तीन कोनिया, तीन कोने का समूह। दूसरा है पच पेड़िया, पांच पेड़ का समूह। तीसरा है तीन पनिया, तीन पत्तों का समूह। लेकिन यदि माई पीला कहता है, माँ और बच्चों का समूह नहीं होता, एक पारिवारिक तत्व होते हैं, वो पारिवारिक शब्द है माई पीला, मतलब कि वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी माई पीला, जो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। हमन रतनपुर गे रहन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमन रतनपुर गे रहन वाक्य में कारक रचना बताइए। ऑप्शन नंबर डी ए, ऑप्शन नंबर ए कर्ता, ऑप्शन नंबर बी कर्म, ऑप्शन नंबर सी करण और ऑप्शन नंबर डी संबंध। यहाँ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमन रायपुर गए रहें, मतलब कि हिंदी रूप क्या, हम लोग रायपुर गए थे। किस पर आधारित है ये वाक्य, कर्ता पर आधारित है, इसलिए इस वाक्य की रचना ऑप्शन नंबर ए कर्ता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीतल के बटलोही लोहा के ढकना, जेकर भीतर चार ठन पखना। पीतल के बटलोही लोहा के ढकना, जेकर भीतर चारठन पखना। ऑप्शन है इस पहेली का बर्तन, ऑप्शन बी चीकू, ऑप्शन सी कोसम और ऑप्शन डी तेंदू। छत्तीसगढ़ में एक फ्रूट है तेंदू, जो गर्मी के समय में प्राप्त होता है। यह एक पीतल अर्थात पीले केसरिया कलर का एक फ्रूट होता है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर की एक ढक्कन की नुमा टोपी जैसे दिखाई देती है, जिसके अंदर चार बीज होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी तेंदू। आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, इस जनौला का उत्तर क्या है, आम, तुलसी, कालीमा या नीम। देखा जाए तो आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी कहते हैं, तो यह है हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी तुलसी का पौधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चाउर छींचना मुहावरे का अर्थ बताइए। चावल छिड़कना, चावल को बिखेरना, जादू करना, चिड़िया को दाने डालना। छत्तीसगढ़ में जादू टोना तंत्र मंत्र को विशेष महत्व दिया जाता है। कहीं ना कहीं वर्तमान समय में इतनी आधुनिकता होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में ये टोटका जो है वो माना जाता है लोगों के द्वारा। तो चाउर छींचना अर्थात इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जादू करना। जैसे कि अचरा मारना कहने से भी नज़र लगाना कहते हैं, वैसे चाउर छींचना का मतलब होता है जादू करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म के नांगरला भूत जोते, इस मुहावरे का आशय बताइए। कर्म के नांगरला भूत जोते, इस मुहावरे का आशय क्या है, कर्महीनता, ऑप्शन नंबर डी विपत्ति का कार्य, ऑप्शन नंबर सी भाग्यशाली होना और ऑप्शन नंबर डी अवसर का चूक जाना। कर्म मतलब कर्म के हल को भूत जोते, मतलब भूत जिसका अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें तो भाग्यशाली होना कि जिसका अस्तित्व नहीं है और आपके बिना मेहनत के ही कार्य आपके सिद्ध हो जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के अंदर यदि कोई व्यक्ति भाग्यशाली है तो उसको एक प्रयोग के तौर पर लोग कहते हैं कि कर्म के नांगरला भूत जोते, तो ऑप्शन नंबर सी भाग्यशाली होना। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्मरण पत्र को कहते हैं, एक प्रशासनिक शब्द है स्मरण पत्र, इसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सुरता पाती, ऑप्शन नंबर बी स्मरण पाती,
ऑप्शन नंबर डी याद, सी याद, और ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। अब एक चीज़ बता दें, छत्तीसगढ़ के अंदर हाफ लेटर जो है वो बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि स्मरण कहा तो छत्तीसगढ़ में स्मरण कह रहा है तो इसका एक रूप इस रूप में भी लिखा जाता है, स्मरण, ठीक है। और इसी स्मरण का रूप के साथ में किसी को याद दिलाने वाली जो चिट्ठी है, जो आपका अनुस्मारक कहलाता है, जिसे हम संस्मरण या स्मरण पत्र कहते हैं, तो इस स्मरण पत्र को छत्तीसगढ़ में सुरता मतलब याद कराने वाले पत्र कहते हैं, इसलिए स्मरण पत्र को सुरता पाती भी कहेंगे और इसे स्मरण पत्र भी कह सकते हैं। कुल मिलाकर आंसर होगा आंसर नंबर डी, ए और बी दोनों। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक एग्जांपल और कि सुयम किस प्रकार का सर्वनाम है। सुयम किस प्रकार का सर्वनाम है? सुयम संस्कृत के स्वयं का एक छत्तीसगढ़ी में अपभ्रंशित रूप है। चूंकि ये स्वयं आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, जिस सर्वनाम के द्वारा अपनेपन का बोध हो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। छत्तीसगढ़ी में स्वयं के लिए सुयम का प्रयोग किया जाता है। तो सुयम किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन है आपके निजवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी निश्चित सर्वनाम, और ऑप्शन डी अनिश्चित सर्वनाम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निजवाचक सर्वनाम। दरोगा का स्त्रीलिंग शब्द होगा, दरोगा, दारोगी, दरोगीन या दरोगी। एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो एक विशेष पद वाले नाम होते हैं, जैसे मास्टर, डॉक्टर, ठीक है ना, इसी प्रकार अगर हम बात कर रहे हैं दरोगा, तो जो विशेष प्रभावी नाम होते हैं उसमें हम इन प्रत्यय को जोड़ते हैं, इसीलिए डॉक्टर से डॉक्टरिन, मास्टर से मास्टरिन, और इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं दरोगा से दरोगिन शब्द का निर्माण जो है वो किया जाता है। और इस तरह छत्तीसगढ़ी भाषा के तमाम प्रश्नों को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ध्यान रखेंगे कि मोस्ट ऑफ वर्ड जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं, यहाँ वचन से, लिंग से, समास से, कारक रचनाओं से, व्याकरण कोई भी हिस्सा जो है वो छूटता नहीं, प्रशासनिक शब्द भी पूछे जाते हैं, मुहावरा लोकोक्ति पहली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश है जो आपको आगे की ओर ले जा सकती है। तो एक बार सी सेट के इस पक्ष में जिसमें हिंदी और छत्तीसगढ़ी आते हैं, एक मरतबा थोड़ा सा नज़र ध्यान लगा कर कोशिश करें वहाँ के प्रश्नों को सॉल्व करने का, क्योंकि ये मेंस में जाकर बेटा आपको पूर्ण रूप से 200 नंबर के प्रश्न पत्र को हल करने में मदद करेगा। ना केवल आपके पीएससी बल्कि कोई भी व्यापक की परीक्षाओं में इस हिंदी लैंग्वेज को विशेष मान्यता दी जाती, साथ में अब तो छत्तीसगढ़ी शब्दों को भी, छत्तीसगढ़ी के प्रश्नों को भी ऐड किया जाने लगा है। तो कोशिश करें और आने वाली परीक्षा के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। परीक्षा में सफल होकर अपने गंतव्य दिशा की ओर आगे बढ़ते रहें, इसी शुभकामनाओं के साथ गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा। थैंक यू सो मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।